न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वाल पोखर के भाबरंगी प्राइमरी एफपी स्कूल में। दरअसल आज स्कूलों में आने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि पूरे राज्य भर में प्राइमरी स्कूल से ले की बात करें अगर हम, तो सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं कि जो स्कूल दिन के 11 बजे ओपन होते थे, अब वो स्कूल को जो है इस गर्मी की वजह से, जिस तरह से साउथ में गर्मी की जो टेम्परेचर अगर हम कहें वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से पूरे राज्य भर में स्कूलों के टाइम टेबल में जो चेंजिंग आई है, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्वाल पोखर में के स्कूलों में जब टाइम टेबल बदल गया है, जैसे बताया गया है कि मॉर्निंग भाबरंगी एफपी स्कूल में है। तो दूसरी तरफ बच्चे अगर हम बात करें तो ये जो है बाहर में बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्कूल के जो सीधे तौर पर हम बात करने की कोशिश करते हैं, इस स्कूल के जो है TIC हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो है हम उसके ऑफिस में चलते हैं और सीधे तौर पर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज देखा जाए कि पूरे पश्चिम बंगाल में सर जो है स्कूलों का जो टाइम टेबल है, खासकर प्राइमरी स्कूल की बात करें, उसमें चेंजिंग आया है। उस चेंजिंग में आपके स्कूल में क्या कुछ बदलाव आया है, हम जानना चाहते हैं। देखिए, पहले के हिसाब से अभी तो चेंजिंग में बदलाव यह आया है कि बच्चा हम लोग जो पहले आते थे 11 बजे, तो उसमें 70% समथिंग बच्चा आते थे, और जब से स्कूल मॉर्निंग हो गए हैं 85+ बच्चा स्कूल में। अभी आप लोगों भी सुबह सुबह स्कूल आना पड़ा है, कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा ही लगता है। जहाँ ये मेरा पेशा ही है तो उसमें और उसमें क्या दिक्कत। बाहर में सबसे बात करते थोड़ा हमें, और ये बताइए कि ये आज आपका स्कूल है, हम देखें काफी स्कूल जो है, ऐसे तो लग रहा है कि थोड़ी सी बिल्डिंग वगैरह की कमी लग रही है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपके स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? मेरे स्कूल में टोटल 144 स्टूडेंट हैं आज के डेट में, और मेरा स्कूल 2011 का है सेटअप, यानी कि 2 फरवरी को मेरा जब वहाँ ज्वाइनिंग हुआ, यहाँ आए तो यहाँ सिर्फ जमीन थी, उसके अलावा कुछ नहीं। हम 2 साल मदरसा में बैठ के ही पढ़ाए हैं, कुछ दिन हेल्थ सेंटर में पढ़ाए, उसके बाद 2013 में 2 बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर पाए। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो मिला जुला के ठीक ठाक है, लेकिन आप लोगों को इस तरह से कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर इस तरह की कोई समस्या तो अभी फिलहाल नहीं है मेरे यहाँ। तो देखिए, आप स्ट्रक्चर तो वो अगर गवर्नमेंट उस पर नज़र दे या यहाँ के लोकल प्रशासन BDO करते हैं, अगर देखे थोड़ा वो लोग का नजर पड़े तो सुधार हो सकता है। अच्छा, ये बताइए हमको कि जैसे कि अब 3 दिन 2 तारीख से स्कूल फिर बंद होने जा रहा है। हाँ, बंद होने जा रहा है, तो समर वेकेशन का किसी हैं मास्टर मंजर आलम साहब, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम इस स्कूल में जो आए हैं, दरअसल हमारा मकसद ये है के पूरे राज्य भर में जो स्कूलों के जो टाइम टेबल का जो चेंज हुआ है, उसमें स्कूलों में पीछे आप वो बिल्डिंगें देख सकते हैं, ऐसा महसूस होता है कि अगर इस स्कूल पे भी अगर थोड़ा सा प्रशासन अगर ध्यान दे, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे हमारे इस माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से, प्रशासन थोड़ा सा अगर दिक्कत हो सकता है यहाँ का जो एजुकेशन का जो माहौल है, स्कूल का जो सिस्टम है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है। दूसरी तरफ हमारे पीछे आप देख सकते हैं, जस्ट स्कूल से सटा हुआ एक तालाब है, लगता है ऐसा महसूस होता है कि बच्चे इस स्कूल में आते हैं और सामने गड्ढा है, तो कहीं कहीं एक थोड़ी सी फिर वो तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं।
आप दर्शकों को बता दें कि पिछले 27 तारीख से ही स्कूल को जो है मॉर्निंग किया गया है। 2 तारीख से लेकर फिर 15 तारीख तक जो है स्कूल जो है समर वेकेशन के लिए बंद होने जा रहा है। लेकिन आप क्लास रूम की वो तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे टीचर जो है बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो जिस तरह से एक कहावत कहा जाता है कि शिक्षा के लिए शिक्षा की अगर हम असंभव माना जाता है, तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है जहाँ पे बच्चे और शिक्षक के साथ साथ जो है अभिभावक भी मेरे ख्याल से लगता है बहुत जागरूक हैं। दूसरी तरफ वो तस्वीरें इस स्कूल की हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल एक तरह से वो किचन है जहाँ पे मिड डे मील हम इस स्कूल में आए हैं, तो हम ये जानने की भी कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि जो इस स्कूल में जो बच्चों को खास करके जो सरकार का स्कीम है मिड डे मील का वो कैसा है। हम इस किचन रूम में भी आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना पकाया जा रहा है। क्या पका रहे हैं आप लोग? क्या क्या पका रहे हैं आप लोग खाने में? परवल, टमाटर, आलू। बच्चों को क्या खिलाइएगा? सोयाबीन, घेरा, टमाटर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हम स्कूल के वो चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि जो स्कूल जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके उन स्कूलों में क्या सिस्टम है और ख़ास करके सरकार जो चाहती है कि बच्चे स्कूल आएं। आप दर्शकों को हम बता दें कि कोरोना में की वजह से हालांकि बच्चे स्कूल आना बंद हो गए थे, लेकिन जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है और फिर ये 2 दिन पहले जो टाइमिंग की बात सामने आई है चेंज होने की, उसमें बच्चे सवेरे काफ़ी तादाद में अगर कहें काफ़ी संख्या में स्कूल आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल है कहा जाए। हम जब स्कूल में आए हैं तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो इस स्कूल की अगर कहें तो प्राइमरी जो शिक्षा है उन्होंने यहीं से हासिल की थी। अभी उस वक्त वो क्लास 12 में है। क्या नाम है आपका? फर्जुला। आप इस स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी पहले। अभी मैं अलीगंज में हूँ, मैं 12 में एडमिशन होगा, अलीगंज का एग्जाम दे दी हूँ। अलीगंज में यानी आप इंटर में? हाँ। कहाँ से इंटर कर रहे हैं? लोधन से। लोधन हाई स्कूल। हाँ, गोलपुर का लोधन हाई स्कूल। तो आप इसी स्कूल से प्राइमरी की तालीम? हाँ, हम इसी स्कूल से हासिल की है और अच्छी भी पढ़ाता है सर लोग, अच्छा एजुकेशन देते हैं, नॉलेज भी अच्छा देते हैं बच्चे के लिए, बहुत पढ़ाता है। पहले तो हम अभी पहले और अभी का जो स्कूल आपने देखा होगा जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ। बचपन में और आज का स्कूल में कुछ बदलाव है, कुछ चेंजिंग है? पहले कैसे पढ़ते थे? पहले तो हम मदरसा में पढ़ते थे। नहीं, इस स्कूल में कैसे यहाँ पे बिल्डिंग हुआ करते थे या नहीं था? नहीं था, पहले तो ऐसे जमीन खाली पड़ा हुआ था, अभी भी बिल्डिंग है, सब कुछ हुआ है। पहले से बहुत अच्छा हुआ? हाँ, पहले से बहुत तरक्की कर लिया है स्कूल। पहले तो हम मदरसा में पढ़ते थे, अभी स्कूल हो गया है, बेंच सब। पहले तो हम जमीन पे बैठते थे। पहले जमीन पे बैठ के? हाँ, मदरसा में जमीन पे बैठ के पढ़ा। अभी तो बेंच सब भी आ गया है, बच्चा सब भी अच्छा पढ़ाता है। चलिए, क्या नाम बोले आप अपना? फर्जुना। तो ये एक स्टूडेंट थी जो इस स्कूल की प्रोडक्ट अगर कहें प्राइमरी की शिक्षा जो है उन्होंने यहीं से हासिल की है और खास करके वो इस स्कूल से पढ़कर इस वक्त वो जो है इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही हैं गोलपोखर लोधन हाई स्कूल से। उनका कहना है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त जो है ज़मीन पर बैठ के हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ता था और आज तो बिल्डिंग है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की जो क्षेत्र में है प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन और भी कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है जो सामने नज़र आ रहा है। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़ रही है। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से मैं फैज़ान अशरफ।